सायला में 2,53,00,000 की लागत से बने नवीन तहसील भवन का प्रभारी मंत्री बामणिया ने किया लोकार्पण। सायला उपखंड मुख्यालय पर 2,53,00,000 की लागत से बने नवीन तहसील भवन का सोमवार को समारोह पूर्वक प्रभारी मंत्री सहित अतिथियों ने लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह का आयोजन जालौर प्रभारी मंत्री अरुण सिंह बामणिया के मुख्य अतिथि व जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते पूर्व मुख्य उप सचेतक रतन देवासी, कांग्रेस प्रदेश सचिव भूराराम सिरवी, सायला प्रधान ढोमी देवी, राजपुरोहित जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिणी, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, सीओ संजय कुमार वासु, कांग्रेस नेता ओम सिंह सांदराई, शवाराम सौंदरी, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने नवीन नवनिर्मित तहसील भवन का फीता काटकर व शिलालेख पट्टी का अनावरण कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में अतिथियों का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने राजस्थान सरकार के 3 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को बताते हुए लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कहा कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों को करने के लिए कृतसंकल्पित हैं और जिले में कोई भी अधूरा कार्य रह गया है जो जनहित में है वह भी हमारे ध्यान में लाए ताकि उसका भी शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि नया तहसील भवन क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जालौर विधायक गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में कई टूटी सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं लेकिन बजट के अभाव व अधिकारियों की ढिलाई के कारण काम नहीं हो पा रहे हैं व किसानों को समय पर विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं जिससे क्षेत्र की जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रतन देवासी सवाराम मंजू मेघवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह के समापन पर उपखंड अधिकारी सूरजभान विश्नोई ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का मंच संचालन लुम्बाराम सौंदरी ने किया। इस दौरान SDM सूरजभान विश्नोई, तहसीलदार कौशल्या जांगीड, उप तहसीलदार समनलाल, BDO लक्ष्मण सिंह सांधु, विद्युत विभाग के गोपाल राम, डॉक्टर दुर्गाराम, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजीत सिंह देता, सुल्तान खान भाटी, एडवोकेट रमेश मेघवाल, सूरजपाल सिंह सुराणा, चंद्र सिंह तोरा, शैलेंद्र सिंह बावत्रा, शैतान सिंह धनाणी, जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी, पंचायत समिति सदस्य शंकर देवासी, सरपंच संघ अध्यक्ष भवर सिंह बालावत, डाबड़ी सरपंच हनुमान देड़ू, सायला सरपंच रजनी कंवर, ओटवाला सरपंच दीपाराम, खेतलावा सरपंच हाजाराम, तालियाना सरपंच हस्तिमल, मंगल सिंह सिराणा, पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित, सायला उप सरपंच प्रकाश मेघवाल, राम प्रकाश, महेंद्र सिंह पोसाणा, नवाब खान, मांगीलाल गर्ग, मोती सिंह, फूसाराम सहित कई जने मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई है वो हम 3 साल की उपलब्धियां हैं। जिसमें आप किसान मित्र केंद्र हो, चिरंजीवी योजना केंद्र हो, पालन हारी सारी उपलब्धियाँ और बच्चा था तो उड़ान योजना और लिया है। हमारे लिए मेरे यहाँ प्रभारी बनने के बाद में या मेरे प्रभारी बनने के नाते यहाँ की जनता की जो प्राथमिकताएँ आएगी चाहे जो हमारी हमारा सायला क्षेत्र अनार का हम है, यहाँ पे किसानों के अनार सरकारी मंडी होनी चाहिए, उसको लेकर आपके सरकार क्या उसको लेकर सरकार तक हम इस बात को ले जाएंगे, कोशिश करेंगे। जो यार निजी मंडी है जमीन मांगी है सरकार ने वो उसको लेकर तो प्रशासन का कोई कंट्रोलिंग नहीं है, उसके बारे में जानकर के फिर बताया जाएगा कि क्या है। तो किसानों को ट्रांसफार्मर समय पर नहीं मिल रहा है उसको लेकर आप ये बात संज्ञान में आई है तो समय में चला। मेरे बड़े भाई हम 2003 में भी साथ में विधायक रहे, बड़े मीठे शब्दों में और बड़े अच्छे शब्दों में बात कहते हैं तो सुनने का और समझने का माजदा अपन में होना चाहिए, ऐसा आपका वक्तव्य है। मैं भी काफ़ी सोचता रहा कि आपके भाषण को किस तरह से कैसे समझूं, हर शब्द में अर्थ था, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भवन बना है, किसने बनाया है उसकी बात नहीं है, इस भवन में कौन जाएगा और कहां का व्यक्ति जाएगा वो महत्व, इस भवन में वो व्यक्ति जाएगा जिसका काम होना है, वो व्यक्ति जाएगा जो दूर जाता था या पास में जाता था इस भवन का उपयोग करेगा। और राजस्थान की सरकार ने इस भवन को निर्मित करने के लिए बनाने के लिए जो राशि दी है
वो किसी व्यक्ति विशेष या विचारधारा विशेष के लिए नहीं दी है, ये सायला के तमाम जनता के लिए दी है। इसलिए हमारे को जिसने भी दिया है, जिस व्यक्ति ने भी सोच की है, जिसने भी मांग की है, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। ये बात मैं आप सबके सामने, बात सरकार के 3 साल की है, बात सरकार के पक्ष की है, बात सरकार की कमी की भी हो सकती है, मैं नहीं कहता। पर ये जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए हो, वो जनता के पास में जाते हैं, जीतने हैं, जीतने के बाद में सारी जनता उसकी हो जाती है। उनके मन में भावना होनी चाहिए कि इस जनता का हम कैसे मदद करें, कैसे विकास करें, कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, वो जीते हुए जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। और वो चीज प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी में है कि पक्ष की हो विपक्ष की हो, आपने जैसा फरमाया कि मेरे बर्थडे पे बधाई का फोन आया और मैंने ये चीज मांगी, तो प्रदेश के नेता ने या प्रदेश के मुखिया ने ये नहीं सोचा कि कौन मांग रहा है। मांग कोई जनप्रतिनिधि रहा है और वो जनप्रतिनिधि किसी जनता के लिए मांग रहा है, ये विचारधारा नहीं, ये हमारे मुखिया की सोच है योगेश्वर की, ये बात नहीं कह सकते। चिरंजीवी योजना में भी कोई कमी, और कल लोग यहां से वहां चले जाएंगे, दूसरे जिले में जाएंगे, दूसरे संभाग में जाएंगे, आपकी सैलरी में कटौती नहीं होगी, आपके भत्तों में कटौती नहीं होनी, आपके मान सम्मान में कटौती नहीं होनी। पर हम जिस पद पे हैं, चाहे मैं मंत्री के पद पे हो, आप एमएलए के पद पे हो, आने वाले चुनाव में किसी कोई पद पे हो, कोई सरपंच के पद पे हो, हमारा पद आएगा और जाएगा। पर हम जब पद पे हैं तो सब जनता की सेवा का संकल्प लेना चाहिए, वो हमारे मुखिया में। दूसरी बात, अभी आपने किसानों की कही, मैं आपको, आपने जो संज्ञान बात जो मैं संज्ञान में लाए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कहना भी चाहूंगा कि जो चीज मैं जब तक यहां प्रभारी हूं, एक एक चीज मैं विपक्ष की दृष्टि से नहीं, आप मुझे भाई की दृष्टि से कहो या सरकार की कमी की दृष्टि रहो, एक एक चीज पे बात करके मैं ऊपर जितना भी मदद कर सकता हूँ मदद करने की कोशिश करूँ। आपने किसान संबंधी बिजली की कमी बताई, आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों से भी मैं कहना चाहूँ कि आपकी चिंता जो व्यक्त की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के सभी किसान जो एग्रीकल्चर जिनका कनेक्शन है, बिजली विभाग का कोई आदमी हो तो मुझे बता दें कि प्रत्येक किसान के खाते में 1000 रुपये महीने 12 महीने के 12000 रुपये जमा होते कि नहीं होते, कृपया नहीं होते तो मुझे अवगत करा दो, होता है। ये सोच हमारे को प्रदेश में नहीं पूरे देश में लानी पड़ेगी कि किसान भारत देश का अन्नदाता है, ये मानना पड़ेगा, ये हमारे को मानना पड़ेगा, किसान की बात को सुनना पड़ेगा। आप और हम किसान नहीं के बराबर है। अभी आप फरमा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, तो जी धन्यवाद और बधाई प्रधानमंत्री जी, काम करते हैं, काम होता है तो करना पड़ता है। तो किसानों की बात जहां तक है, आज मैं आपसे कहना चाहूं कि सरकार के 3 साल पूरे, कहीं योजनाएं आपने गिनाई कि वो हो गई, 2 साल 1.5 साल हो गया, मैं आपको निवेदन करना चाहूं कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर जाना पसंद नहीं करता था, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करता था, और सरकार और हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे आप हो मैं हूं, ये पसंद करते थे कि जनता बचे कैसे, इनको महामारी से हम बचाए कैसे, ये सबके मन में पीड़ा थी। और जो आदमी घर परिवार में समझदार था, घर का मुखिया था, वो चाहे घर में बच्चा हो कि महिला हो कि बेटी हो कि बहू हो, कहीं कहीं तो ये स्थिति, मुख्यमंत्री है
1998 में भी जो सरकारें रही उनके नेतृत्व में, उसमें क्या ऐतिहासिक काम हुए कहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। हमारे देश के लोकप्रिय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 की सरकार में जब भीषण अकाल पड़ा तो प्रधानमंत्री जी ने राजनीति से ऊपर उठकर सम्मानित किया राजस्थान सरकार को, वो अलग बात है, मगर ये कहा कि इतना शानदार फैमिन का मैनेजमेंट मैंने स्वयं ने नहीं देता, मैं राजस्थान की सरकार और गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये स्वर्गीय वाजपेयी जी ने कहा और ये उनके शब्द थे। वो मैनेजमेंट हो या 2008 में राशन की बात हो, बच्चों का जन्म होता था, जन सुरक्षा योजना से किस प्रकार से लाभान्वित होते थे, मुफ्त दवाई से किस प्रकार से लाभान्वित होते थे। मुझे याद है उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 2008 वाली सरकार के कार्यकाल में, और जब जन सुरक्षा योजना हुई आरंभ, मुफ्त दवाई वाली योजना आरंभ हुई, तो वहाँ अहमदाबाद एडिशन में अंग्रेजी अखबारों ने उसको छापा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से गुजरात में लागू की जाए, मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहाँ मीटिंग लेके इंस्ट्रक्शन दिए कि ये योजनाएं हैं, और इंग्लिश के अखबार में छपा कि आफ्टर राजस्थान गुजरात टू टेक अप ऑल पॉपुलर स्कीम्स, ये अशोक गहलोत जी की कांग्रेस के भाई सरकार। तो उसको